हेलो एवरीवन, दर्शी दिलाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने ऑलरेडी जान लिया होगा थंबनेल और टाइटल के थ्रू कि वीडियो किसके ऊपर है। सो यस, आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बट देयर इज वन प्रॉब्लम, मैं बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। ऐसा क्यों बोलने से जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं SSC के अंदर है या स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के अंदर, तो इसके अंदर जब हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उसमें पता नहीं दिमाग में कहाँ से आया ये आइडिया कि सीट्स के हिसाब से प्रेफरेंस बढ़ेंगे अपना। तो बहुत ही सारे पोस्ट थे, SSB, ITBP, CISF, ये सब बहुत सारे पोस्ट थे, PSF, ये सब। तो हमने सीट्स के हिसाब से प्रेफरेंस दे दिया। तो सबसे ज़्यादा सीट्स थे BSF में, उसके बाद CRPF में थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने सबसे पहला प्रेफरेंस BSF में दे दिया और देखिए मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो प्रेफरेंस अपने हिसाब से दीजिएगा, आपको क्या पसंद है, कहाँ में जाना आप चाहते हैं। तो मेरा फॉर्म फिलअप ये फर्स्ट टाइम था SSC का, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के अंदर में, और तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से कि वन से तीन स्टेज हमें क्रॉस करना पड़ता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट हमारा ये था कांस्टेबल GD का। तो सबसे पहला हमारा होता है रिटन, जो कि नाहरलगन में हुआ था मेरा रिटन टेस्ट। उसके बाद हुआ था फिर फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हमें रनिंग करना होता है 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर में, तो उसको भी क्लियर किया मैंने। वो हुआ था किमिन में। तो उसके बाद फिर फिजिकल पास हो रहा है, फिर कुछ मंथ्स कुछ वीक्स के बाद होता है हमारा मेडिकल चेकअप, जिसमें हमारा 3 दिन लाइक 4 दिन लग जाते हैं मेडिकल चेकअप में ना। और अगर आपको री मेडिकल हो गया तो आपको और भी 5 हफ्ता भी लग सकते हैं, बट मेरा लकीली मेरा री मेडिकल नहीं हुआ था, मेडिकल में भी सब कुछ क्लियर हुआ था मेरा एक ही बार में। बट हमारे 2 डेज 3 डेज तो लग ही गया था ये डॉक्यूमेंटेशन ये सब में ना। तो हमारा मेडिकल हुआ था, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था सलोनी बारी में। और इस प्रोसेस में ना आपका ऑलमोस्ट 1 साल पूरा ही चला जाता है, फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद आपका होगा रिटन टेस्ट, फिर कुछ मंथ्स के बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, फिर कुछ मंथ्स के बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फिर कुछ मंथ्स के बाद या वीक्स के बाद आपका ये लेटर आएगा, कॉलिंग लेटर। सो यस, आप सभी को मैं लाइक काइंड ऑफ गुड न्यूज़ कहूँ या आई डोंट नो, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कॉलिंग लेटर आ चुका है। कुछ दिन पहले आया था बट आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज। तो मैंने सोचा मेरे सब्सक्राइबर्स है ना मेरे पास, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, तो मैंने सोचा एक बार आप सभी से भी पूछूं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसा क्यों सोच रही हूं मैं, क्योंकि लाइक हमारा माहौल ऐसा हो जाता है कि हमको मतलब घर से इतना दूर नहीं जाना है, और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका आपको ड्यूटी लगेगा बांग्लादेश बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर। तो आप सोच सकते हैं मैं यहाँ पे हूँ वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, तो कौन सा पार में मुझे जाना पड़ेगा। एंड और ये प्रेफरेंस के हिसाब से ना बहुत ही बड़ा गलती हो गया ये मेरा। तो आप सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा फैमिली ने हमेशा मुझे, मैंने अब तक जो भी किया है ना हर चीज़ में सपोर्ट किया है, तो इस बार भी मेरे पूरा फैमिली ही कन्फ्यूजन में है। वो लोग भी मतलब चिंता कर रहे हैं इतना दूर कैसे भेजेगा बेटी को ऐसे करके, और मोस्ट प्रोबेबली मेरा पापा, तो मेरे पापा का तो लाडली है हम अभी दीदी बहन यही मेरे उतना आपको आँख बड़ा बड़ा टेरा की तक बिकॉज हम लोग तीनों अपने पापा मम्मी का लाडली है। सो यस, तो पापा तो और भी चिंता कर रहे हैं, मीन्स पापा भी मेरा पैरामिलिट्री में ही है, तो पापा भी मतलब सजेस्ट कर रहे हैं हमको कि ना नहीं जाने से भी ठीक है, क्योंकि बस हम ऑलरेडी अभी एक इंस्टीट्यूट में है, मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो हमारा कल्चर का फोक डांसेस सॉन्ग्स को प्रिजर्व करने का एक इंस्टीट्यूट है, उसमें है हम ऑलरेडी। तो जो कि मेरे हम घर से ही आना जाना हो जाते हैं क्लासेस प्रैक्टिसेस ये सब पूरा ना, तो ये सब मतलब ईजी है हमारे लिए। तो पापा चाह रहे कि मैं इसी में, और मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है ना, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, तो इसलिए पापा चाहते हैं कि मैं इसी को अच्छे से कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बस ऑलरेडी मैं हूँ ना एक इंस्टीट्यूट में, तो मैं आइडल नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ अपना पसंद का कर रही हूँ। सो ऐसा करके पापा भी चाह रहे हैं कि मैं ना जाऊँ, मीन्स इनडायरेक्टली पापा बोल रहे हैं, बट डायरेक्टली वो भी मुझे फोर्स नहीं कर रहे कि मत जाओ या जाओ ऐसे करके। तो पूरा फैमिली, मम्मी पापा माय बोथ सिस्टर्स, ऑल ऑफ देम आर मीन्स नॉट फोर्सिंग मी फॉर एनीथिंग। तो ये लोग सिर्फ हमको मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि जाना है नहीं जाना ऐसे करके, तो बट वी आर ऑल कन्फ्यूज्ड। सो यस, तो ओके, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मैं, पहले आप लोगों को कॉलिंग लेटर दिखाती हूँ जो मुझे बाई थ्रू पोस्ट आया था। सो यस, दिस इज़ इट। तो यहाँ पे मेरा जो रोल नंबर्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नाम नीमा ड्रेमा, एंड दिस इज़
डॉटर ऑफ सांग सरेंग, दिस इज माई फादर्स नेम एंड विलेज, ये सब पूरा एड्रेस दिया है ना एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर एंड ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऐसा करके स्पीड पोस्ट के थ्रू आया है. तो ये यहाँ पे एक सील दिया है जो आया है हेडक्वार्टर मेघालय FTR फ्रंटियर BSF शिलोंग. तो यस, मेरा जॉइनिंग है शिलोंग में, दैट इज़ ऑन 27th ऑफ दिस मंथ अक्टूबर. तो 27 को मुझे शिलोंग में जाना है जॉइनिंग के लिए, बट आई डोंट नो आई एम गोइंग और नॉट. तो ओके, मैं इसे ये पूरे डिटेल्स आप लोगों को मैं शेयर नहीं करूँगी, मैं ब्लर कर दूँगी इस एनवलप को ना. फिर ये पर्सनल डिटेल्स है ना कुछ कुछ, तो ये सब कुछ शेयर करना इट्स नॉट राइट थिंग ना. सो मैं सॉरी, मैंने यहाँ से एनवलप से निकाला है इसे. तो यस, दिस इज द कॉलिंग लेटर. तो दिस इज इट्स लाइक दिस. तो यस, यहाँ पे दिया है देखो, थ्रू स्पीड पोस्ट ना, फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF शिलोंग मेघालय, दिस दिस दिस. तो ओके, कॉलिंग लेटर कुछ ऐसा आता है आपका. तो फर्स्ट टाइम जब हम पोस्ट ऑफिस में गया था, दो बार तीन बार जाके हम पूछा है कि उनसे, वो लोग हम लोग कॉल करके ये सब कभी नहीं बताता ना पोस्ट ऑफिस वाला. सो या पोस्ट ऑफिस जाके हमने दो तीन बार पूछा था. एंड ये जब जो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ पे स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये सब भारत का जो देखा ना, मीन्स एक काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया, काइंड ऑफ लाइक नर्वसनेस एक फील हो रहा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव रिसीव दिस लाइक फ्रॉम अ गवर्नमेंट. No, so yes, okay. So this is an appointment, no, calling letter. तो ये कुछ इस प्रकार है. सो यहाँ पे तो मेरा पर्सनल डिटेल्स है, माई रोल नंबर, माई फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स एंड ऑल दोस. एंड कहाँ पर था, यहाँ पर एक साइड पर मेरा डेट दिया गया है कि मुझे कब ज्वाइन करना है ऐसा ना. सो यस, यहाँ पर 10 नंबर पर दिया है. If you accept these terms and conditions mentioned about, यहाँ पर कुछ terms and conditions दिए है कि आप training के दौरान अगर छोड़ते हैं तो इतना month का आपको repayment, जो आपको payment हुआ है ये सब वापस करना पड़े, ऐसा ऐसा करके ना. So leave all those things. तो you are hereby directed to report on 27th October 2023 to Commandant 4th Battalion BSF Post Office Umpling or Umpling, I don't know, District East Khasi Hills, Shillong, Meghalaya. So yes, this is the address and date of my joining. तो ये पीछे सबसे लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर दिया है जो आपको फिल करना है, शायद ज्वाइनिंग के समय में आपको ले जाना पड़ेगा. तो यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स के सील एंड साइंस चाहिए आपको. तो यस, दिस इज़ इट. तो अभी ये है मेरा कॉलिंग लेटर, बट समय बहुत कम है तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ ऐसा करके ना. तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे जाना चाहिए या नहीं. अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, ये सब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत होप्स है. तो यस, अभी तो आपने बहुत सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा. आप लोग सजेशंस करिएगा कमेंट के थ्रू. सो यस, और प्लीज़ मेरी तरह गलती ना कीजिएगा, प्रेफरेंस अपने हिसाब से दीजिएगा, सीट्स के हिसाब से नहीं. क्यों से, अगर आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हो, आपने अच्छा मार्क्स स्कोर कर दिया है, तो आप जो प्रेफरेंस देते हो वही आपको मिल जाता है, लाइक पॉजिटिवली, पॉजिटिव थिंग में मतलब मिल ही जाता है. सो जो गलती मैंने किया है, तो इस वीडियो से आप लोग सीख भी लीजिएगा कि जो गलती मेरे से हुआ है वो गलती आप लोग ना करें. तो प्रेफरेंस, जैसा कि आपको कुछ अलग पोस्ट पसंद है, जैसे कि SSB, तो SSB फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा. अगर वो नहीं मिला तो नेक्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दीजिएगा. तो वो नहीं मिला तो नेक्स्ट वाला करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला भी नहीं मिला और थर्ड प्रेफरेंस भी आपका, तो उसे भी दे सकते हैं आप. तो या उसके तीन प्रेफरेंस के अंदर तो आपको मिल ही जाएगा, लाइक येस फॉर श्योर. सो कि जो मेरे घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स है वो भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है. तो आप लोग भी मेरा एक फैमिली हो, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी एक बार राय ले लूँ, पूछ लूँ ना. तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मैं क्या करूँ. सो यस, आई एंड माई वीडियो हियर, प्लीज़ डू सपोर्ट मी इन दिस थिंग, ओके. एंड हम लोग सब आगे बढ़ेंगे जो भी होगा. सो या, बाय बाय, सी यू सून एंड टेक केयर एवरीबॉडी.